नमस्कार। योग में भिन्न भिन्न आसनों का हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कोई आसन शरीर के किसी और अंग पे प्रभाव डालते हैं तो कोई आसन किसी और अंग पे प्रभाव डालते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे योग आसन के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक तीनों चीज़ों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। यह आसन अगर हम कहें तो योग के द्वारा हमें दिया गया सबसे अच्छा वरदान और जिसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। खास तौर पे हमारी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो बच्चे को दूध पिला रही हैं वो मोस्टली ऐसे झुककर बैठती हैं, तो जिसके कारण हम ध्यान देंगे जो हमारे स्कैपुला होता है, जो हमारे यहाँ के शोल्डर के पास की जो एक हड्डी होती है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है और हम परमानेंटली ऐसे झुक के बैठना शुरू कर देते हैं। या तो आजकल घर से काम करने वाले हमारे जो यंग जनरेशन है वो अधिकतर घर पे बैठ के काम कर रही है, तो उनके भी पॉस्चर करेक्शन जो होता है वो हमेशा ऐसे बैठने लगते हैं, तो उनके इस तरह से बैठने में मदद करेगा यह योगासन। तो इस योगासन के बहुत सारे फायदे हैं। मैं आज आपको ऐसे ही एक योगासन के बारे में बताने जा रही हूँ, इसकी विधि, आपको उसके क्या क्या फायदे हैं आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जी, तो आज मैं बात करने वाली हूँ पर्वत आसन के बारे में। पर्वत आसन दो संस्कृत शब्दों से बना है, पर्वत और आसन होता है मुद्रा। तो इसमें हमारे शरीर की जो आकृति है वह एक पर्वत के समान बनती है, इसलिए हम इसे पर्वत आसन कहते हैं। तो पर्वत से हमें वैसे तो बहुत सारी सीख मिलती है, तो हाँ जी, जो पर्वत से सीख मिलती है वो सेम इस आसन से भी बहुत सारे वही फायदे हैं जो कि हमें पर्वत से मिलती है। तो पर्वत को अगर हम देखें तो बहुत ही विशाल होता है, उसमें बहुत ही एक मजबूती होती है, वो इतना ऊंचा होकर भी अपने मार्ग से हिलता नहीं है, एक जगह पे अड़िग बना रहता है, दृढ़ निश्चय होता है। तो हाँ जी, हमें इस आसन के द्वारा अपने शरीर को दृढ़ निश्चय बनाना है कि हाँ जी, हमें योग आसन करना है, हमें अपने मस्तिष्क को शांत रखना है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें डेली योग करना है, हमें अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को पर्वत की तरह मजबूत बनाना है। तो यह योगासन हमें बहुत सारी चीज सिखाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस आसन को कैसे करना है, इसकी विधि क्या क्या है और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ फैला लीजिए और थोड़ा सा गैप कर लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ रखिए। ये होता है दंडासन। जब हम बैठ कर विश्राम करते तो हम मोस्टली इस आसन में विश्राम करते। अब दोनों पैरों को सामने लेकर आएंगे, जोड़ेंगे आपस में, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। अब पद्मासन की मुद्रा बनाएंगे। अब सीधे पैर को उठाकर उल्टे पैर की जांघ के ऊपर रखेंगे और उल्टे पैर को उठाकर सीधे पैर की जांघ के ऊपर रखेंगे। यह हमारा पद्मासन बन गया है। अब हमें पर्वत आसन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अब आप दोनों हाथों को इस तरह से प्रणाम की मुद्रा में लेकर आइए। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। ध्यान को किसी एक जगह पर केंद्रित रखेंगे, सांस को रोक के रखेंगे और जब यथा स्थिति, जब तक हम सांस को रोक सकते हैं रोकेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए हम हाथों को इस तरह से नीचे ले जाएंगे। तो यह हुआ पर्वत आसन। इसे आप सांसों के साथ भी कर सकते हैं या तो आप बिना सांसों के भी आप कर सकते हैं। तो इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप इसको इस तरह से ऊपर लेकर जाते हैं और धीरे धीरे नीचे लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कमर, आपके कंधे और आपकी गर्दन तीनों में खिंचाव आप महसूस करेंगे। तो यह आसन बहुत अच्छा है अगर आपकी कमर में दर्द है या कंधों में दर्द है या फिर गले में दर्द है। आजकल जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, यह आसन उसके लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा, यह आसन आपके पोस्चर को ठीक करता है। अगर आप झुककर चलते हैं या झुककर बैठते हैं तो इस आसन को करने से कम 5 से 10 मिनट इस आसन को करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो कंधे की हड्डी जो बाहर साइड निकल रही थी वो वापस से अपनी जगह पे फिट होने लगेगी और आप इस तरह से टाइट होकर बैठना शुरू कर देंगे। और उसके बाद इसके जो बहुत सारे लाभ हैं उनमें से एक लाभ यह है कि जो रक्तचाप की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, यह उसमें भी सुधार करता है। इसके साथ साथ मानसिक तनाव, जो
स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हेडेक है, एंजाइटी है, इस आसन का इस आसन को डेली करने से आप इन सारी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, एक स्थिति में आप काफ़ी देर तक अपने मन को रख सकते हैं, जो फालतू के विचार आते हैं, जितनी भी निगेटिविटी आती है आप उनको दूर कर सकते हैं। इससे हेड टू टो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, संचार होता है, जिससे कि आपकी जितनी भी निगेटिविटी है सब दूर होती जाती है। इस आसन को करने से हम जब पद्मासन में बैठते हैं तो हमारे जो पैरों का रक्त संचार है वो भी बढ़ता है, इवन हमारे पूरा बॉडी के सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। प्लीज़ इस आसन को कम 10 से 15 मिनट करना है। इस आसन को करने का सबसे अच्छा वक्त है वह सुबह का वक्त है। आप सूर्य उदय के पहले जो 4 से 5 बजे का वक्त होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसमें आप अपने ध्यान को बहुत अच्छे से एकाग्रित कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप सूर्य अस्त के पहले के वक्त में भी यह आसन करते हैं तो बहुत अच्छा आसन है। नमस्कार।